अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे मेरे चैनल में सब्सक्राइब करो, नाल बेल का बटन आनू दबा दो ताकि मेरी हर नई वीडियो तुहानू सब तो पहले फ्री च मिले। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने लगी हूँ शक्करकंदी की खीर। ये वास्ते मैं अद्धा किलो शक्करकंदी ले उन्होंने उबालिया, उबाल के उन्होंने कट के रख लिया वा। 1 किलो मैं दूध लिया, 1 किलो दूध मैं पतीले च डाल दिता वा। ये थले मैं अग जला दिनी हाँ, तो थोड़ा जहा दूध लिया वा मैं शक्करकंदी ग्रैंड करूँगी। वो वास्ते रखे अद्धा कप रखा वा दूध, जरा शक्करकंदी ग्रैंड करूँगी। सब तो पहले तो मैं शक्करकंदी ग्रैंड कर दी हाँ, तो फिर अगे तो फिर दिखानी है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मैं इन थोड़ा छोटा करके काट लूँगी इसलिए कि ज़्यादा बड़ी है ना। बस मैं सारी शक्करकंदी में डाल ली है, हम मैं डाल देनी थोड़ा जहा दूध ताकि इन ग्रैंड करना आसान हो जाए। हम सब तो पहले तो मैं ये ग्रैंड कर दी हाँ, करके फिर अगे तो सारिया चीज़ा दिखाई हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, शक्करकंदी मैं ग्रैंड कर ली है, बिल्कुल नहीं ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नहीं करनी दे, थोड़ी थोड़ी मतलब नज़र आवे दानेदार जी हो, जड़ी बने हुई तो थोड़ी दानेदार हो। इन्नी क मैं ग्रैंड की है, यह एन बहुत ज़्यादा की तो फिर बहुत ज़्यादा वो एन बिल्कुल मैदे तरह बन जाए, उदा दी नहीं करनी, थोड़ी थोड़ी दानेदार करनी। हूँ मैं इधर दूध रखा वा, दूध थले मैं अग मचा दी है, इनू मैं उबाला आन दूंगी। जिनी देर ये उबाला आंदा उन्नी देर मैं तुम्हें दूसरिया चीज़ा सारिया दिखा दिनी हाँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये मैं डालूंगी 1 प्याली में ली है चीनी दी, बराबर करके 1 प्याली ली, बहुत ज़्यादा भर के नहीं ली क्योंकि शक्करकंदी भी मिट्टी होंगी है, इसलिए मैं 1 प्याली चीनी भी ली है। कुछ मैं लिया वा अखरोट लाया, उन्होंने मैं छोटे छोटे करके कट लिया, बादाम लाए से 4-5 वो भी छोटे छोटे करके कट लिया, नारियल लिया वा उन्होंने मैं कद्दूकस करके रख लिया। कुछ अद्धा कप मैं लिया वा नारियल का बरादा, कोकोनट पाउडर भी इन्हू कहते हैं, ये बाजार मिल जाता है, जितों मर्जी तुम जो स्टोर से जाके कहोगे सारा कोकोनट पाउडर चाहिए वा तो उतो मिल जूगा, तुम उतो ले लेंगे। अद्धा कप मैं वो लिया वा। हूँ मैं इन्ना कुछ मैं ले किशमिश ले आ, और इन्हों मैं कुछ बेच डालूंगी, कुछ उत्ते सजाने वास्ते रखूंगी। हूँ मैं अगे इन्होंने शुरू कर दिया, जिदा ही दुध में उबाला आऊगा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, हूँ मैं ये डाल देनी हाँ चीनी, फिर जिदा ही उबाला आऊगा इन्हें उबन लग जूगा दुध, फिर मैं ये डालूंगी जोड़ा ग्राइंड करके रखी है शक्करकंदी वो डालूंगी। इन्हें 10 मिनट लगते बनाने, बहुत जल्दी बन जाती है, ये इन्नी ज़्यादा मुश्किल भी नहीं थी, आसान भी आ, बच्चे भी बना सकते हैं, ये तो 10 मिनट च बन के तैयार हो जाती है। जिमें जो उबाला हों में बच्चे की शक्करकंदी डालूंगी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, दूध में उबाला आ गया वा, हूँ मैं ये डाल देनी है शक्करकंदी जी मैं ग्रैंड करके रखी सी, लेकिन इन्हू नाल नाल ही हिलाऊंगी। इस तरह ही मसाले डाल दूंगी बिच। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मैं सारी शक्करकंदी जी ग्रैंड की थी सारी डाल दी है ये, हूँ मैं इन्हें पकाऊंगी 10 मिनट तक पकाऊंगी इन्हें, जिमें ये थोड़ी जी पकाऊंगी फिर मैं ये पाऊंगी नारियल का बरादा, हजे थोड़ी जी पकूगी फिर डालूंगी ये। इस तरह ही मैं इन्हें थोड़ी जी गाढ़ी करूंगी तो फिर ये वो डाल दी हूँ, फिर अगे तुम्हें दिखाई हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, हूँ मैं इनू रिज दिन 5-4 मिनट हो गए, हूँ मैं ये डाल देनी नारियल का बरादा। कुछ वैसे जड़ा मैं नारियल कद्दूकस करके रखिया सीगा वो डालूंगी ये। बस थोड़ी देर पकाऊंगी हूँ, उन्नी देर में ये गाढ़ी भी हो जाऊगी कि बन भी जाऊगी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बस बन के तैयार हो चली है, 5 मिनट होर बनाऊंगी इन्हू क्योंकि हजे थोड़ी जी पतली है, गाढ़ी हो गई है काफ़ी सारी, लेकिन हजे थोड़ा जी थोड़ी जी कमी है इन्हू, लेकिन यह है कि तुम जो इनू उबाला के शक्करकंदी पा दोगे ना फिर इन मुसलसल तुम्हें हिलाना पेगा कि थले ना लग जाए, जिमें आ दूध साइड पर लगता है ना उन्होंने तुम एवें एवें करके लाई दो, जिमें रबड़ी नहीं लाई दी हूँ दूध लगता जमें साइडा तो लगातारी जाएगी उवें उवें उतारी जाओ,
इन चम्मच नाल उस की जाओ, दूध की खीर की जाओ, मजे की भी बन जूगी, नालों रबड़ी बन जूगी, रबड़ी वाली खीर तरह बन जूगी। हूँ मैं ये थोड़ा जहा डाल दिनी हाँ अखरोट, थोड़ा जहा डालूंगी बदाम, बाकी कुछ मैं सजाने वास्ते रख लूँगी। थोड़ा जहा डालूंगी किशमिश, थोड़ा जहा मैं सजाने वास्ते रख लूँगी। बस 5 मिनट बाद, 5 मिनट लगन दे, हूँ बस 5 मिनट बाद फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खीर मेरी बन के तैयार हो गई है, गाढ़ी काफ़ी हो गई है, काफ़ी हद तक गाढ़ी हो गई है, मैं तुम्हें दिखाऊंगी हूँ। हाँ मैं तुम्हें यह नहीं दसिया कि इन्हों ठंडी हो के इस तो भी ज़्यादा गाढ़ी हो जूगी, माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह गाढ़ी हो गई है। दरमियानी आँच पर मैं सारी जिनी बनाई है ना, सारी दरमियानी आँच पर बनाई, फुल आँच नहीं की थी, दरमियानी आँच पर भी दूध, जाहिर है दूध का दूध तो उबलता वा, थोड़ी फुल हो जाए अग तो दूध उबल जाता, तो जिमें ये पासे लगता है दूध उवें इन उतारी गई, नाल नाल मैं उतारी गई हाँ इस तरह करके ना, नाल नाल ही इनू लाई गई हूँ। हूँ मैं ये अग बंद कर दिनी हाँ, बस बन गई हूँ, पूरे 20 मिनट लगे हैं, 20 मिनट लगे हैं, 20 मिनटा च बनी है, पूरे एक एक सेकेंड उपर नीचे नहीं होया, पूरे 20 मिनट लगे हैं बनाने। हम मैं इनू ठंडी होने वास्ते थोड़ी देर रख देनी हाँ, ठंडी थोड़ी जी होंगी है तो फिर मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरी शक्करकंदी खीर बन के तैयार हो गई है, माशाल्लाह अच्छी बनी है, इदा बनाऊंगे तो इदा बनती बहुत अच्छी होंगी, टेस्टी भी बनती होंगी बहुत ज़्यादा। हाँ मेरी जो शक्करकंदी उबाली हुई थी, अगर तुम वीडियो देखनी हो तो वह लिंक नीचे दे देंगे तो वो देख लिया जाए कि किदा उबाली, मैं उबाली हुई नहीं सी ना तुम दिखाई, तो मैं पहलों भी लाई है रैसपी बना के वो लाई है, तो वह देख लिया जे तुम कि उबाली है, मैं स्टीम करके उबालती हूँ, उदा नहीं उबालती, अगर माशाल्लाह बनी तो बहुत अच्छी है, देखने माशाल्लाह बहुत अच्छी लगती है बनी। अगर मेरी वीडियो पसंद आए लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।